जिसमें हमने व्यंजनों का मेल संयोग का आधा पाठ हिस्सा किया था, बाकी का बचा हुआ पाठ हम आज र के संयोग से के निम्नलिखित नियम है। र का जब किसी और व्यंजन के साथ मेल होता है तो उसके विभिन्न नियम हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगी कि आप अपनी बुक ग्रामर की हिंदी व्याकरण की पुस्तक लें और उसका पृष्ठ संख्या 13 खोलें, क्योंकि बिना उसके आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आसानी होगी समझने में। तो मैं एक या तो आप पॉज कर लें वीडियो को यहाँ पर और अपनी बुक लें। र के संयोग के निम्नलिखित नियम हैं, जब र स्वर रहित हो तो वो अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है, यानी कि जब र का स्वर हमें ना लेना हो तब, जैसे कि कर्म, कर्म लिखते समय माँ के ऊपर र, आपने देखा होगा हम र लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमने जो रा लगाया कर्म के ऊपर, ये स्वर रहित है इसीलिए ये अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लगा है। अब दूसरा नियम है इसका, जब रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो उसके पैरों में लगता है, यानी कि ये तो सर पर लगा वर्ण के, जब रा स्वर रहित था, अगर रा के पहले वाला कोई भी अक्षर स्वर रहित होगा तब यह उसके पैरों में लगेगा, जैसे ये पा है इसके पैरों में लग जाएगा तो ये हो जाएगा प्र, प्रकाश, जैसे आपने प्रकाश देखा होगा तो ये ऐसे लग जाएगा। अब श के साथ र का मिलने पर ये बन जाता है श, ये इस वाले श के साथ अगर र मिलेगा तो ये बन जाता है श, श्रमिक होता है, जैसे जैसे हम लिखते हैं ना श्रमिक, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर र जो है वो स्वर रहित था इसीलिए अपने वर्ण के ऊपर लगा सर पर आगे वाले के, यहाँ पर ये आगे वाला जो स्वर था ये स्वर रहित था इसीलिए ये इसके पैर में लगा। फिर तीसरी बात भी मैंने आपको अभी बता दी, श के साथ जब र मिला तब बना श्र, जैसे हम लिखते हैं ना श्रमिक, तो ये वाला जो श है ये इससे मिलकर बना। इसी तरीके से अगला है, जब इस वाले स के साथ र मिलेगा तब ये पैरों में लगेगा इस तरीके से श्र, ठीक है। आप इसका शब्द ले सकते हैं सहस, के साथ संयोग होने पर त्र बनता है, जैसे त्रिशूल, पत्र, ये जो त है इसमें त और रा मिले हुए होते हैं। द या का अर्थ है कि या तो द या ट, इनके साथ जब रा का मेल होता है तब क्या होता है, देखिए तब ये पदेन के रूप में जुड़ता है, जैसे ट्रेन, जब ट के साथ मिला रा तो ये पदेन के रूप में नीचे लग गया, जैसे ट्रेन लिखते हैं ना ट्रेन, तो ट के नीचे हमने पदेन के रूप में रा को लगाया। या ड्रामा, ड्रामा, तो ड में भी हमने पदेन के रूप में नीचे रा
लगाया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगली चीज है जो हमारी, वो है बलाघात, यानी कि बलाघात क्या है वो समझेंगे हम अब अपनी अगली वीडियो में।